Hello, students. How are you all? I hope everyone is doing well. Today I am going to teach you chapter 5 Numbers Singular and Plural. Look at the pictures and read the words below Apple, four apples. Tree, two trees. Boy, boys. Girl, girls. सिंगुलर मीन्स ऑनली वन प्लूरल मीन्स मोर देन वन एंड एप्पल इज सिंगुलर एंड एप्पल इज प्लूरल वी एड एज टू नेमिंग वर्ड्स वेन दे आर मोर देन वन बच्चों जो आज का जो चैप्टर है हमारा नंबर्स सिंगुलर एंड प्लूरल है देखिए अगर सिंगुलर uh, है एप्पल और अगर यहाँ यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर फोर एप्पल्स वन टू थ्री एंड फोर देन हम क्या बोलेंगे फोर एप्पल्स यहाँ वन एप्पल थी तो आपने सिर्फ एप्पल लिखा और यहाँ फोर एप्पल्स है तो आपने यहाँ एस लगाया ट्री है तो ट्री लिखा ओनली बिकॉज़ यहाँ पे वन ट्री है और यहाँ टू ट्रीज नज़र आ रहे हैं तो आपने ट्री के आगे एस लगाया टू ट्रीज बॉय बॉयज गर्ल गर्ल्स सिंगल वन के लिए आप गर, जैसे गर्ल हैं ज़्यादा थे तो आपने गर्ल्स लगाया तो सिंगुलर मीन्स ओनली वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन ठीक है वी एड एज टू नेमिंग वर्ड वैन दे आर मोर देन वन आप जहाँ एज बॉय क्या क्या एज सिर्फ आपने कब लगाया जब आपके यहाँ दो तो या तीन बॉयज़ uh, नजर आए तो आपने बॉयज़ लिखा तो देन ये सिंगुलर एंड प्लूरल है अब आप यहाँ देखिए एक्सरसाइज वन है ये ठीक है रीड इच वर्ड एंड चेंज इट इंटू प्लूरल एडिंग पियर के लिए आपने लिखा यहाँ थ्री नजर आ रहे हैं तो देन यू कैन राइट पियर्स बॉल फोर बॉल है तो एस लगाएंगे तो बॉल्स हो जाएगा फ्रॉग है तो एस लगाएंगे तो फ्रॉक्स थ्री फ्रॉक्स है यहाँ पे तो फ्रॉक्स uh, ऑब्वियसली आप यहाँ ऐस लगाएंगे प्लेट्स बुक है सिंगल है तो आपने बुक लिखा और यहाँ पे आपको टू बुक नजर आ रही है तो आप लिखोगे टू बुक्स है तो बुक्स तो ऐसा लगाओगे चिक चिक कार्स अब ये देखिए लुक एट दिक्चर्स एंड रीड द गिवन वर्ड्स ग्लास वन ग्लास देर आर फूर ग्लासेस तो ई एस लगा ग्लास के आगे क्या लगा ई एस अब आप पूछेंगे कि ऐस भी तो एस ई एस कैसे लगा एस और ई एस फ्लूरल के अंदर एस और ई एस लगते हैं जिसकी मैं आपको भी डिटेल में बताऊँगी कि क्यों बॉक्स है यहाँ ई एस लगेगा बॉक्सेज यहाँ ओनली एक्स एस नहीं लगेगा यहाँ ई एस लगा है टॉर्च है टॉर्चेज अब आप यहाँ एक्सरसाइज वन कंप्लीट हो गई अपनी वी एड ई एस टू नेमिंग वर्ड्स डैट एंड इन एस डबल एस एक्स एस एच सी सी एच और ओ वन दे आर मोर देन वन इसके अंदर देखिए ई एस हमने कब कब लगाया जब एस है जब कोई जब कोई वर्ड जो है जैसे कि मान लीजिए बस बी यू एस अब बस लास्ट का जो एंड का जो वर्ड है वो एस नजर आ रहा है आपको तो आप यहाँ केवल एस नहीं लगाएंगे प्लुरल बनाने के लिए मोर देन वन बसेज बी यू एस ई एस लगा है. हुआ. अब जैसे हाउस house, तो हाउसेज ई एस लगेगा ब्रश अब देख सकते एस एच आ गया ब्रश पे बी आर यू एस एच ब्रश है तो अब यहाँ पे आपको ई एस लगाना पड़ेगा ओनली एस से काम नहीं चलेगा है. यू शुड राइट हीयर वी आर यू एस एच ई एस ब्रशेज टमेटो टमेटोज वॉच देखिए सी एच आ गया नोट पर आप नज़र आ रहा है ई e एस कहाँ यूज़ में लेना है आपको ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है वी एड ई एस टू नेमिंग वर्स दैट एंड इन ये जो जो चीज़ें एंड जहाँ जैसे बस में एस e यूज़ में आ रहा है एस e एच ब्रश में आ रहा है वॉच में सी एच आ रहा है तो आप यहाँ क्या लगाएंगे ई e एस -E यूज़ में लेंगे यहाँ एस e -E जो है वो नहीं लगाया जाएगा यहाँ ब्रशेज वाचेज मैंगोज़ एम ए एन जी ओ मैंगो है देन यू शुड राइट ई एस मैंगोज़ एम ए एन जी ओ ई एस मैंगोज़ ठीक है फॉक्सेज एफ ओ एक्स एफ ओ एक्स ई एस फॉक्सेस फ्रॉक द्रैस, ड्रेस ड्रेसेज डी आर ई डबल एस ड्रेस और ड्रेसेस में फोर ड्रेस है तो देन यू कैन राइट हियर ड्रेसेस तो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर चैप्टर्स नेम्स नंबर्स एंड आई विल सेंड यू ऑल द एक्सरसाइज ऑन टूमारो डू योर एक्सरसाइज इन योर ग्रामर बुक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड बाय